हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, ये जो वीडियो है इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नया अपडेट आया है गोवा स्टेट के लिए। आपको बता दूं कि एक बुरी खबर है, अभी जो ये न्यूज़ में बता रहा हूँ इसका जो असर है वो कुछ भी हो सकता है। गोवा में लॉकडाउन भी लग सकता है या नाइट कर्फ्यू भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी अभी विश्वजीत राणे सर जो है, जो गोवा के हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उसमें यह बताया गया है कि एक 8 साल का जो बच्चा है वो पॉजिटिव आया है ओमिक्रॉन वायरस के लिए, जो कि 17 तारीख को यूके से आया था। और गोवा में जो है उसका टेस्टिंग होने के बाद में एनआईवी पुणे की तरफ से उसे जो है पॉजिटिव करार दिया गया है। सो ओमिक्रॉन का पहला पॉजिटिव केस गोवा स्टेट में आ चुका है, पहुंच चुका है। मतलब हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन जो है अभी गोवा स्टेट में पहुँच चुका है। तो अभी इसका मतलब क्या होगा इसका कुछ कोई बता नहीं सकता। सरकार क्या इसमें एक्शन लेंगी और बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी हो सकता है। जो न्यू ईयर अभी पार्टीज़ है वगैरह है, मे बी वो भी कैंसिल हो सकते हैं। या अभी सारे डिपेंड करता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत जी जो भी है, एक क्या डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। गोवा में क्या क्या अपडेट आएंगे उसकी सारी अपडेट्स मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। इसीलिए रिक्वेस्ट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।